गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे मात्राएं तथा शब्द रचना। तो मैं बच्चों पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। व्यंजनों के साथ लगे चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। जब स्वर किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप मात्रा में बदल जाता है। मूल रूप से सभी व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। आ स्वर मिलने पर इनका रूप पूरा हो जाता है। जैसे का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर खा। तो आ स्वर के बिना व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। हलंत जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये का एक वर्ण है, इसके नीचे हलंत ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही खा है, खा के नीचे भी हलंत लगाया तो इसमें स्वर नहीं है। फिर इसमें स्वर मिला दिया गया तो इसका पूर्ण रूप ऐसे हो गया खा, ठीक है। तो प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। तो हम कुछ स्वर देखते हैं, स्वर उससे मात्राएं तथा उससे बने हुए कुछ शब्दों को देखते हैं, ठीक बच्चों। तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और समझिए और अपने कॉपी पे इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो छोटा, छोटा इसी कोई मात्रा नहीं होती है। रा एक वर्ण है, इसमें छोटा की आपकी मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा रा, और इससे बना शब्द रथ। बड़ा, बड़ा की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो मा एक वर्ण है तो इसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा मा, ठीक है। इससे बना शब्द मा ला। फिर छोटी, छोटी की मात्रा ऐसे होती है। तो का एक वर्ण है तो उसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा की हो जाएगा। इससे बना शब्द की ताब। ऐसे ही बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो का वर्ण है, इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा की, इसे बना शब्द कील। फिर उ की मात्रा, उ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। गा एक वर्ण है तो इसमें उ की मात्रा हो लगेगी तो क्या पढ़ा जाएगा इसे गु पढ़ा जाएगा। तो इसे बना शब्द गुलाब, ठीक है। ऐसे ही बड़ा उ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। फा एक वर्ण है, उसमें बड़ा उ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा फू, इसे बना शब्द फूल। पुनः री, री की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो का एक वर्ण है तो उसमें री की मात्रा लग जाएगी तो इसे क्री पढ़ा जाएगा। क्री, इससे बना शब्द कृषक, कृषक जो किसान होता है ना उसे कृषक कहते हैं। ए की मात्रा ऐसे होती है, ऊपर लगती है ना, सिर रेखा में ऊपर लगती है। तो माँ एक वर्ण है, इसमें एक ही मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा इसे पढ़ा जाएगा में से बना में ला। ऐसे ही ऐ स्वर की मात्रा ऐसे होती है, दो मात्राएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो मा एक वर्ण है, ठीक है, इसमें ऐ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा मैं, इसे बना शब्द मैदान। ऐसे ही ओ की मात्रा ऐसे होती है। तो का एक वर्ण है तो इसमें ओ की मात्रा लगेगी तो क्या पढ़ा जाएगा इसे को से बना शब्द कोयल। कोयल मीठी बोलती है ना बहुत, वही कोयल है। आओ ऐसे है, आओ की मात्रा ये है, दो मात्राएं होती हैं ऐसे, आओ की मात्रा आओ, ठीक है। तो इससे बना शब्द कौवा, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ण उसकी मात्राएं तथा उसे बने शब्द थे। रा में ऊ छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा दाएं तरफ बीच में लगती है। जैसे कि ये देखिए, ये चित्र किसका है, रुपये का है ना, तो ये लिखा है रा के नीचे हलंत है, ठीक है। और उसमें फिर उ मिला दिया गया तो क्या हो गया रू हो गया। तो इसे बना शब्द रुपया। ऐसे ही रा प्लस बड़ा उ हो गया रू पढ़ा जाएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा रू, इसे बना शब्द रू माल, ठीक है बच्चों। तो ऊपर हमने देखा वर्ण तथा तो उसकी मात्राएं, अब हम यहाँ पे देखेंगे शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मतलब कि वर्णों के सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले तो उसके मेल को क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। दो वर्णों को मिलाने से क्या बनते हैं बच्चों शब्द बनते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ है, ठीक है, आ ये क्या है बड़ा आ, तो इसमें प्लस माँ है तो इसको माँ मिला जाएगी तो क्या हो गया आम। तो यहाँ पे दो वर्ण है, एक आ वर्ण है और दूसरा माँ वर्ण है, तो दोनों को मिला के बना दिया गया आम। तो ये एक सार्थक शब्द हो गया, आम एक मीठा फल होता है। ऐसे ही हिरण, हा प्लस ई प्लस रा प्लस आ प्लस ना प्लस आ मिला के क्या हो गया हिरण। उपरोक्त सभी वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं जिनके बोलने से
हमें अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक बच्चों, तो आपने सीखा, हम जब शब्द लिखते हैं तो व्यंजनों के साथ कुछ चिन्ह लगाते हैं, व्यंजन के साथ जुड़ा स्वर मात्रा के रूप में लिखा जाता है। वर्णों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ है। अब आप लोगों का गृह कार्य है बच्चों, होमवर्क है, ये आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं, ठीक है, और सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं, ठीक है, तो आप इस होमवर्क को पूरा कीजिए। ठीक बच्चों।